मेरठ के सदना में एक युवक घर से चित्रकूट नौकरी के लिए गया था, लेकिन वह वहाँ नहीं पहुंचा। युवक के परिजनों ने थाने में गुमशुदा की तलाश करने हेतु तहरीर दी है। नाम बताओ। यशवंत, मैं यशवंत गोस्वामी। मैं एड्रेस के साथ बताओ। मैं यशवंत गोस्वामी, मोहल्ला हरलालपुरा सरदना, जिला मेरठ से। मेरा लड़का 2 दिसंबर को यहाँ से नौकरी के लिए गया था चित्रकूट कह के, लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँचा और उसका लगभग 3 तारीख से मोबाइल स्विच ऑफ हो रहा है, उसकी कोई हमें जानकारी नहीं मिली। और किसके माध्यम से गया था वो? एक कंपनी में पवन नाम का लड़का है, उसने उसे कंपनी का पता बताया था, लेकिन पवन ने उससे जब तक बात करी अब उससे उसकी पवन से भी बात नहीं हो रही, और पवन के मुताबिक वो वहाँ भी नहीं पहुँचा। और जो उदयपुर की कंपनी थी उस कंपनी में भी जिसमें वो पहले काम कर चुका वहाँ भी नहीं पहुँचा था। पवन से कैसे जान पहचान थी? पवन ने उसके साथ काम किया है और संदीप ने उसके साथ काम किया है। संदीप से बात हुई तो उसका भी फ़ोन नहीं उठा रहा है वो। पवन कहाँ का रहने वाला है? पवन जयपुर का रहने वाला है, मेहंदीपुर बालाजी। हाँ, नाम एड्रेस मोबाइल नंबर सब बताओ। उसका मोबाइल नंबर एप्लीकेशन में लगा हुआ है। नहीं नहीं बताओ मुझे। तो पवन का नंबर 800 3434 9676767 है। तो अभी जो कंप्लेंट करी इसमें अभी पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? हाँ, अभी पुलिस ने कहा है कि हम इसकी गश्ती तलाश के लिए सूचना भेज रहे हैं, गुमशुदगी की रिपोर्ट हमने दर्ज करवा दी है। क्या पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हो या नहीं? हाँ, अभी तक जो जितनी कार्रवाई उन्होंने हमें बात बताई है उससे तो हम संतुष्ट हैं। ठीक है।